लखनऊ में थाना हसनगंज के शिया कॉलेज के पास कई घंटों तक नशे में धुत सिपाही नाली में पड़ा रहा। सूत्रों के मुताबिक ये सिपाही बख्शी के तालाब थाने में तैनात था, जो कि निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में काकोरी पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश हरियाणा नंबर के कंटेनर में 19 बैल ले जा रहे थे, जिन्हें रंगे हाथों दबोच लिया गया। सुल्तानपुर में कोतवाली कादिरपुर क्षेत्र के एक गांव में एक बदमाश ने लूटपाट के साथ ही माध्यमिक विद्यालय में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश रजा ने मोहम्मद दानिश को जिला उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। उन्होंने मोहम्मद दानिश को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें जनता के बीच पहुंचकर सपा की नीतियों की पहुंचाने की बात भी की। अमेठी में थाना गौरीगंज क्षेत्र के गांव चतुरीपुर और सुजानपुर में पुलिस ने अवैध शराब का निर्माण कर रहे दो बदमाशों का भांडाफोड़ करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 14 क्विंटल लहन के साथ 28 लीटर अवैध शराब भी बरामद किया है। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 2030 सैंपल्स में से 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। वहीं ताजा आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक कोरोना से 3,007 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेठी में थाना मोहनगंज क्षेत्र के लोधवड़िया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में थाना शिवरतनगंज क्षेत्र के सिमरौता चौराहे पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम में वांछित देशराज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बदमाश से पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। अमेठी के कलेक्ट्रेट परिसर में शासन के सर्वोच्च प्राथमिक नवीन 37 प्रारूपों पर हुए विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी अरुण कुमार ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए। अमेठी में थाना संग्रामपुर के शीतलागंज बाजार में हिंदू सेना रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे का पुतला फूंक दिया। इसी के साथ सभी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश सिंह समेत कई लोग वहां पर मौके पर मौजूद रहे। अमेठी में थाना पीपरपुर के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने इलाके के सम्मानित लोगों के साथ पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही त्यौहार मनाने की हिदायत भी दी। अमेठी के थाना मोहनगंज क्षेत्र में एक नवजात शिशु की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने ग्राम पंचायत दर्पीपुर में नवीन विकेंद्रीकृत व्यवस्था ड्राई राशन वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए ड्राई राशन को कुपोषित बच्चों समेत कई अन्य में भी बांटा। अयोध्या में अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष जमुना प्रसाद सरोज और व्यापार मंच के राष्ट्रीय सचिव अरविंद पटेल का सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए बताया कि सभी को मिलकर संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना चाहिए। अयोध्या में 13 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। आतिशबाजी की जगह लेजर शो के माध्यम से आतिशबाजी दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अयोध्या में इस बार डिजिटल दीपोत्सव होगा। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बहराइच के विकासखंड मिहीपुरवा के ग्राम नोबना में हुए भीषण अग्निकांड में जिला पंचायत अध्यक्ष नदीम मन्ना समेत पूर्व विधायक शब्बीर वाल्मीकि अग्नि पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी को कंबल के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी बांटी। बहराइच के कोतवाली नारपारा क्षेत्र के बरईपारा गांव में खुलेआम जुआरी युवा खेलते नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन जुआरियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बहराइच के थाना मटेरा में प्रधान संघ अध्यक्ष समेत कई ग्राम प्रधानों ने इंस्पेक्टर चौथी राम यादव को सम्मानित किया। दरअसल ग्राम मझौली में हुए 12 वर्षीय छात्र की हत्या को 24 घंटों में ही पुलिस ने खुलासा कर मृतका के परिवार को इंसाफ दिलाया था, जिसके बाद ही सभी ने यह कदम उठाया। बहराइच में थाना दरगाह क्षेत्र के ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में थाना रसिया क्षेत्र के ममता नाली के पास एक डीसीएम और ट्रक आमने सामने से भिड़ गए, जिसमें कुछ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
बस्ती में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीरा ने थाना गौर और पैकोलिया का औचक निरीक्षण किया, जिसे सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय के रजिस्टर नंबर 8 अपराध रजिस्टर और बीट सूचना रजिस्टर के साथ कई अन्य की भी चेकिंग की। बस्ती में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीरा ने नवनिर्मित बैरक और थाना मुंडेरवा की चौकी खजौला का उद्घाटन किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी रुधौली शक्ति सिंह और थानाध्यक्ष मुंडेरवा अनिल सिंह समेत कई अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बस्ती में थाना परशुरामपुर क्षेत्र के बहरपुर गांव के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जिले के दो शातिर चोर मुकेश और विजय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की बाइक समेत 7 मोबाइल फोन और 12,000 नकद भी बरामद किया है। बरेली में थाना मीरगंज क्षेत्र के बहरौली गांव में पुलिस ने कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर फरार बेटे को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। फतेहपुर में थाना तरियाव क्षेत्र के आंबापुर NH2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज में थाना तालग्राम के चौखट गांव में कब्जा हटाने के मामले में थानेदार का रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो का संज्ञान लेते हुए SP ने थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंप दी है। कन्नौज में थाना सौरिक क्षेत्र के नादेमाऊ कस्बे के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के सामान के साथ 3 शातिर चोरों को धर दबोचा है। वहीं तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया इलेक्ट्रॉनिक का सामान समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की हैं। रामपुर में थाना स्वार क्षेत्र से पुलिस ने अवैध शराब बना रहे कल्बे अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने 70 लीटर अवैध शराब के साथ कई अन्य चीजें भी बरामद की हैं। रामपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी कंचन टोलिया ने टीम के साथ मिलकर नगर और देहात क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने महिलाओं और लड़कियों को उनकी सुरक्षा अधिकारों और कानून के बारे में जानकारी भी दी। कानपुर में बिल्हौर विधानसभा की महिला सपा नेता रचना सिंह ने ककवन ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों पर जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने सभी को सपा की नीतियों के बारे में जानकारी भी दी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।